और तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर बिहार के डीएनए वाले बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है, तो पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बिहारियों के डीएनए पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव चुप हैं। वोट की राजनीति के लिए ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तारकिशोर ने इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर भी हमला बोला। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बिहारियों को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है, उनके डीएनए पर बात कह दी है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रमुख लीडर हैं और साथ ही साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। सर, एक तरफ तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री जो हैं वो बिहारियों को लेकर बात कर रहे हैं और डीएनए पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, मुझे आश्चर्य है कि इंडी महागठबंधन का एक महत्वपूर्ण अग्रणी घटक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्यमंत्री बिहार से कभी उनके पूर्वज रहे होंगे और सामाजिक वर्ग की दृष्टि से वो कुर्मी समाज से आते हैं और उनके हटते ही जो नव पदस्थापित मुख्यमंत्री ने जो टिप्पणी की है, यह कहीं न कहीं पूरे बिहारवासियों के लिए अपमान है और ख़ास करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी उसी सामाजिक वर्ग से आते हैं, लेकिन अभी तक एक भी प्रतिक्रिया जनता दल यूनाइटेड की ओर से या श्री नीतीश कुमार जी की ओर से नहीं आया है। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। एक ज़माना था जो ये डीएनए के सवाल पर नाखून काट के भेजने में इन्हें समय नहीं लगता था, लेकिन खुलेआम जो रेवंत रेड्डी हैं उन्होंने इतनी बड़ी टिप्पणी कर डाली और मुख्यमंत्री जी और उनके दल के किसी भी प्रवक्ता या अग्रणी नेता ने कोई उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस तरह की टिप्पणियों की हम निंदा करते हैं। बिहार का अपना एक गौरवशाली परंपरा है, बिहार को छेड़ने का कोशिश तेलंगाना का मुख्यमंत्री ना करें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, 48 घंटे के बाद भी ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता इस तरीके का बयान कब आया। नहीं, देखिए, ये चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे उप मुख्यमंत्री हों, या इनके सभी दल के प्रवक्ता हों या प्रमुख नेता हों, ये अपने राजनीतिक फायदे के अनुसार टिप्पणियाँ करते हैं। इन्हें ना कोई स्पंदन होता है, ना जो मानवीय जो एक भावना है, ये सारी चीज़ों को राजनीतिक कारण से तिलांजलि देकर रखते हैं और अपने फायदे के अनुसार टिप्पणियां करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि मेरी तबीयत खराब थी, इस वजह से मैं नहीं निकल रहा था। वहीं ये भी कहा है कि कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा है। दूसरी तरफ जेडीयू के ही कोटे से सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू, वो कह रहे हैं कि मोदी हैं तो मुमकिन है। देखिए, भारत के सबसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत का शासन चलाया और जिस प्रकार से आम लोगों के दिलों में ये राज किए, स्वाभाविक है कि जब अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर श्री मोदी जी का लोग लोहा मानते हैं तो जनता दल यूनाइटेड के सांसद अगर सही बात कह रहे हैं तो इसमें आपत्ति क्या है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ अच्छा समन्वय रहेगा, जल्द से जल्द बात होनी चाहिए। क्या लग रहा है कि 17-20 के बीच जो बैठक होगी उसमें क्या होगा? देखिए, हमें आश्चर्य लगता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इनका अच्छा संबंध रहेगा या बयान दे रहे हैं लेकिन बैठकों में भी नहीं जा रहे हैं। और राहुल गांधी के नेतृत्व में जितने भी राज्यों के चुनाव लड़े गए उसमें तेलंगाना छोड़कर इन्हें मुँह की खानी पड़ी, तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये किनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये अभी तक इंडी गठबंधन के नेताओं का समझ में नहीं आया, ये एक दूसरे को किस प्रकार से बेवकूफ़ बनाया करते हैं। कभी साथ होते हैं, कभी बैठकों में नहीं जाते हैं, कभी नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इंडी महागठबंधन, जहाँ आगामी लोकसभा का चुनाव का मात्र कुछ ही महीने रह गए हैं, लेकिन ये इस गठबंधन से अपने को जोड़ नहीं पाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये था हमारे साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद। साफ कहा है कि ये गठबंधन एक दूसरे को कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जिस तरीके से बिहारियों के डीएनए पर सवाल खड़ा किया है, साफ कहा है कि इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए और मुख्यमंत्री अब चुप क्यों बैठे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।